वेलकम डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर वर्तिका जैन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ वॉटनी एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओम आई एंड मेंबर्स ऑफ ट्रू फंजाई, तो विभिन्न मॉलिकुलर सिक्वेंस स्टडीज़ और डिफरेंट अल्ट्रास्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज से ये पता चला है कि ऊ मई सीटीज के जो मेम्बर्स हैं वे एलगी स्पेशली ब्राउन एलगी के साथ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ शो करते हैं और इसी कारण से उन्हें किंगडम क्रोमिस्टा में रखा गया है क्रोमिस्टा किंगडम में जिसे स्टेमिनो पाइला भी कहा गया है या स्टेमिनी पाइला भी कहा गया है इसमें ब्राउन एल्गी के साथ फंजाई, दैट इज उमाइसिटीज़, जो पैरासिटिक मेंबर्स भी हैं यानी हेटेरोट्रॉफिक हैं उन्हें इसमें रखा गया है इसके साथ ही ट्रू फंजाई को डिफरेंट किंगडम की स्टेटस दी गई है तो यह वर्गीकरण जो डिफरेंट मॉलिकुलर सीक्वेंस स्टडीज हुई हैं राइबोसोमल डीएनए के बेसिस पे उस आधार पे दिया गया और उसके आधार पे हम देखते हैं क्यू माइसिटीज़ किन किन कारणों से ट्रू फनजाई से डिफरेंट है तो सबसे पहला अगर हम देखें ट्रू फनजाई की जो ग्रोथ हैबिट होती है वो टिप हाइफल टिप की जो ग्रोथ है वही होती है और सिमिलरली ओमाइसिटीज में भी वही होती है परंतु एनिमल्स में हाइफल ग्रोथ नहीं होती है अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई जैसा कि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है तो फंजाई का पोषण हेटेरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर है ओमाइसिटीज से जिसमें भी हेटेरोफिक एब्जॉर्पटिव न्यूट्रिशन मिलता है परंतु अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक इंजेस्टिव टाइप का होता है और सेल वॉल की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ट्रू फंजाई के मेंबर्स की सेल वॉल काइटिन की होती है परंतु ऊ माइसिटीज के मेंबर्स की सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा बीटा वन थ्री बीटा वन सिक्स ग्लूकैच मिलते हैं और हाइड्रोक्सी प्रोलिन मिलना ये भी इसका सेल वॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसे ट्रू फनजाई से अलग करता है और अगर एनिमल्स से सिमिलरिटी देखी जाए तो ट्रू फंजाई की सेल वॉल में काइटीन होता है और कुछ एनिमल्स के जैसे एग्जोस्ट कैलेटिन में काइटीन पाया जाता है न्यूक्लियस ट्रू फंजाई ऑल ट्रू फंजाई मेंबर्स दे आर हैप्लॉइड एनिमल्स आर डिप्लॉयड एंड ओ माई सिटीज मेम्बर्स आर आल्सो डिप्लॉयड सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि ऊ माई सिटीज़ की जितनी भी फंजाई मेंबर्स हैं जितने भी मेंबर्स हैं वे सारे डिप्लॉयड होते हैं टू एन होते हैं सेंट्रियोल्स ट्रू ट्रूफनजाई में एबसेंट होती है परंतु एनिमल्स और रूम आइसिटीज में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं गोल्जी सिस्टर्नी की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ट्रू ट्रूफनजाई में अनस्टैक्ड ट्यूबुलर टाइप के गोल्जी सिस्टर्नीस मिलते हैं परंतु एनिमल्स में और रूम आईसीटीज में दोनों में वेल डेवलप्ड स्टैग्ड जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो मिलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइट्रोक्रांड्रिया में ट्रू ट्रूफनजाई और एनिमल्स के अंदर तो प्लेट लाइक -like, यानी फ्लैटेंड डिस्क लाइक क्रिस्टी मिलते हैं परंतु ओमाइसिटीज के अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टीज इसके माइट्रोकोन्ड्रिया में पाए जाते हैं तो ये इसका माइट्रोकोड्रिया भी डिफरेंट है ट्रू एंजाई का और उमाइसिटीज का तो आपने यहां देखा कि इसके सेलवॉल के अंदर सेलुलोज है सेल्युलटीज के सेलवॉल में न्यूक्लियस इसका डिप्लॉइड है इसमें गोल्डी सिस्टन स्टैक्ड टाइप के हैं और इसके माइट्रोकोड्रिया में ट्यूबुलर क्रिस्टी मिलते हैं ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं द नेक्स्ट वी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है अगर ओमाइसिटीज की बात करें तो ऊमाइसिटीज में हेटेरोगेटेंजिया बनती हैं दो तो विभिन्न साइज और शेप की गैमेटेंजिया यानी एंथ्रीडिया और ऊगोनिया दोनों डिफरेंट होंगी और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद ऊसपोर बनते हैं जबकि जो ट्रू फंजाई के मेंबर्स हैं उसके अंदर ऊसपोर नहीं बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद उसमें या तो जाइगो बनते हैं जैसे जयगो में होता है एस्कोस्पोर एस्कोमाइकोटा में और बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइकोटा में बनते हैं तो यहाँ ऊ स्पोर्स नहीं बनते हैं और ऊ माइसीडीज में स्पोर बनते हैं ना टाइप ऑफ फ्लैजिला ऑन जू स्पोर्स इफ दे आर प्रोड्यूस्ड तो ओ की जो फंजाई है अगर उसमें जू स्पोर्स बनते हैं तो उस पर दो फ्लैजिला मिलती हैं हेटेरोकॉन्ट में ऐसे रखा जाता है दो फ्लैजिला हैं, एक विप्लैश है और एक टिंसल है विप्लैश पोस्चीरियरली डायरेक्टेड है और दूसरी फाइब्रस और सिलिरेटेड जो है जिसे हम टिंसल फ्लैजलम कहते हैं वो एंटीरियरली लगी हुई होती है और ट्रू फ्रंजाई के मेंबर्स में, में यूजली फ्लैजलम एक ही प्रकार की होती है वो है पॉस्चीरियर विप्लैश जो काइटेडियो में देखने को मिलती है और अगर वेजिटेटिव सेल्स की स्ट्रक्चर को देखें तो ओमाइसिटीज का हाइफा माइसीलियम जो है वो सिनोसिटिक होता है इसके अंदर असेप्टेड कंडीशन है माइसीलियम हालांकि कुछ ओमाइसिटीज के मेंबर्स अपवाद के तौर पे यूनिसेलुलर थैलाई भी रखते हैं और अगर ट्रू फंजाई की बात करें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर माइसीलियम जो है इट इज डिवाइडेड इंटू सेल्स बाय क्रॉस वॉल्स यानी माइसीलियम मिलता है जैसे एस्को और बेसिडियो में देखने को मिलता है हालांकि इसमें भी अपवाद है कि जैगो माइकोटा के मेंबर्स जो कि ट्रू फंजाई में रखे जाते हैं उसमें सेपरेट नहीं माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा तो ओ माइसिटीज का माइसीलियम आपको असेपरेट दिखता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोर्स बनते हैं और उसमें दो फ्लैजिला मिलती हैं जो है होती हैं वन वे प्लेश और वन पिनसल होती हैं अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो हम देखेंगे कि जैसे ओ माइसिटीज की फनजाई डिप्लॉयड है तो उसकी लाइफ साइकिल हैप्प्लोबायोटिक डिप्लॉयड होगी एक ही लाइफ फॉर्म है जो डिप्लॉयड है और ट्रू फनजाई में ऑल फनजाई आर एप्लॉइड तो उनकी लाइफ साइकिल एप्लोबायोटिक अप्लॉइड होगी और एनिमल्स में मोस्टली एप्लोबायोटिक डिप्लॉइड साइकिल होती ही है अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ट्रू फनजाई और एनिमल्स में दोनों में हिस्टोन प्रोटीन टू बी जस्ट लाइक एनिमल्स दोनों में सेम मिल रहा है परंतु ओमाइसिटीज़ के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन मिलता है वो प्लांट्स से ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है लाइसिन अमीनो एसिड की बात करें तो ट्रू फनजाई में लाइसिन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है बाय अल्फा अमीनो एडिपिक एसिड पाथफिक और ओमाइसिटीज में इट को सिंथेसाइज किया जाता है बाय डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड पाथवे जबकि एनिमल्स में तो लाइसिन सिंथेसाइज किया नहीं जाता है स्टोरेज कंपाउंड की बात करें तो ट्रोफनजाई का स्टोरेज कंपाउंड ग्लाइकोजन होता है कुछ मात्रा में लिपिड्स और ट्रहलोज शुगर भी उसमें स्टोर होती है और ओमाइसिटीज में माइक्रोलैमेरिन नाम का कंपाउंड स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन लिपिड्स एंड ट्रहलोज ही जैसे ट्रू ट्रूफनजाई में होते हैं वही स्टोरेज कंपाउंड के रूप में देखने को मिलते हैं ट्रांसलोकेबल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसके अंदर और ट्रेलोस के रूप में ट्रांसलोकेशन होता है एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट्स में देखा गया है कि ट्रेलोस शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है जबकि के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन देखा गया है जस्ट लाइक प्लांट्स माइक्रोकॉन्ड्रिल कॉडोन यूज की अगर बात करें तो यूजीए कोड जो है वो ट्रू ट्रूफनजाई के अंदर ट्रिप्टोफेन को डिनोट करता है एनिमल्स में भी वो ट्रिप्टोफेन को ही डिनोट करता है परंतु ओमाइसिटीज में यूजीए कोड को चेन टर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है ट्रू ट्रूफाई के अंदर आर्गोस्टिर मिलते हैं एनिमल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं और ओमाइसिटीज में फ्यूकोस्टिर मिलते हैं जस्ट सिमिलर टू प्लांट्स एंड एल्गी तो ओमाइसिटीज में आपने देखा कि सेलोलोज होता है सेलवॉल में इसके अंदर टेंसेल फ्लैजिला और वेप्लेस फ्लैजिला बाई फ्लैजिलेटेड जूसपोर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे इसके अंदर आपको माइक्रोकोडिया में ट्यूबुलर क्रिस्टी मिलेंगे इसके अंदर डिप्लॉड कंडीशन होने की वजह से हैप्लोबायोटिक डिप्लॉय लाइफ फॉर्म मिलेगा इसका स्टोरेज कंपाउंड माइकोलेमिनेरिन मिलेगा इसमें फ्यूकोस्टिरल आपको मिलेंगे तो इस प्रकार से ओमेसिटीज कई सारे कैरेक्टर्स में ट्रू फंजाई जिसमें हम जाइगोमाइकोटा एस्कोमाइकोटा बेसिडियो माइकोटा इनको रखते हैं उससे डिफरेंट होती है और इसी वजह से जितने भी रिसेंटली क्लासिफिकेशन आए थे इसमें जैसे एलेक्सोपोलसम्स एंड ब्लैकवेल का था उसमें उन्होंने ट्रू फंजाई को किंगडम की स्टेटस दी थी और उसमें उन्होंने ये चार फाइलम रखे थे फाइलम काइटेडियो माइकोटा फैलम जाइगो माइकोटा फम एस्को माइकोटा एंड फाइलम, फाइलम, फाइलम बेसिडियो माइकोटा इसके बाद किर्क और उनके सहयोगी जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने दो में फंजाई को इस प्रकार से इन फाइलम्स में रखा और ये जो आठ फाइलम है इसमें पहला था काइटेडियो माइकोटा न्यो कैली मेस्टिगो माइकोटा ब्लास्टो माइकोटा ग्लोमेरो माइकोटा ग्लोमेरो वही जिसके अंदर हम जितने भी वैम फंजाई है जो कि वेसिकोलर अर्बस माइक्रोइर बनाने में हेल्प करती है उनको रखा एस्कोमाइकोटा उसके बाद माइक्रोस्पोरिडिया और उइसिटीज को एक अलग ही किंगडम की स्टेटस ट्रैमिनाफ पायला के अंदर रख दिया गया ब्लैकवेल इन 1996 उसमें उन्होंने फाइलम, फाइलम हाइफोकाइड्रियो माइकोटा और फाइलम लैबरेन्थलो माइकोटा को भी इसमें रखा स्टेमिनोपाइला शब्द आया है स्टेमिन स्टेमिन का तात्पर्य यह फ्लैजिलम और पाइलोस यानी हेयर यानी इसके फ्लैजिलम पे जो हेयर है यानी जो टिनसिल फ्लैजिला है उसकी स्पेशली उसको डिनोट करते हुए स्टेमिनोपाय इसका नाम रखा गया और वर्तमान में स्टेमिनोपायला को हम क्रोमिस्टा भी कहते हैं क्रोमिस्टा किर्क एटॉल के द्वारा इसमें इस किंगडम की स्टेटस दी गई उसी क्रोमिस्टा में उन्होंने फाइलम हाइफोकाइट्रियो फाइलम फैलम और फैलम उ माइकोटा रखा और को सूडोफनजाई भी कहा या कलरलेस एल्गी भी कहा क्योंकि जैसा हमने कहा कि क्रोमिस्टा जो है उसका तात्पर्य तो कलर्ड है जो कि शो कर रहा है कि इस ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे तो इसके अंदर वे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि गोल्डन एलगी ब्राउन एलगी डाइटम्स क्रिप्टोमोनार्स जिसके अंदर क्लोरोफिल सी मिलता है पिगमेंट के फॉर्म में तो वे सब भी इसके अंदर है परंतु इसके साथ ही कलरलेस ऊ माइकोटा जो है वो भी इसके अंदर है फंजाई जो कि हेट्रोट्रॉफिक है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती वो भी कई कैरेक्टर्स में इन एलगी से मैच करती हुई है और इस वजह से ऊ माइकोटा को भी इस क्रोमिस्टा किंगडम में रखा गया तो ओवरऑल इस क्रोमिस्टा में टेन फाइला मिलते हैं परंतु हम यहां पे फंजाई की अगर बात करें तो ये तीन फाइलम है जिसमें फंगल मेंबर्स हैं हाइफोकाइट्रियो माइकोटा लैबरिंटलो माइकोटा एंड ओ माइकोटा तो ओ माइकोटा की स्टेटस किंगडम फनजाई से हटा करके किंगडम क्रोमिस्टा में रख दी गई है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने कि फंजाई ट्रू फंजाई और ओ माइकोटा को डिफर किया एक दूसरे से और किंगडम की स्टेटस इसकी चेंज होकर क्रोमिस्टा स्टेमिनो हो गई हालांकि इस क्रोमिस्टा में आप एल्गी को भी पढ़ रहे हैं इसके साथ में आप फंजाई को भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने डी एन ए फैलोजेनेटिक स्टडीज हुई उनके आधार पर ये तय किया गया था तो इस वीडियो में ऊ माइसिटीज या जैसे ऊ माइकोटा कह रहे हैं उसमें और जो ट्रू फंजाई के मेम्बर्स हैं उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्न विभिन्नताएँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा थैंक यू वेरी मच